ये श्री भोले जी केदारनाथ की यात्रा में जंगल चट्टी से ऊपर चढ़ते हुए जय भोलेनाथ। और बोले कैसा अनुभव कर रहे हो? हाँ जी ऊपर चढ़ रहे जी। कैसा अनुभव कर रहे हो? जंगल चट्टी से चले हो आप? हाँ जी जंगल चट्टी चले पार कर दिया से और दुर्लभ चढ़ाई है लेकिन आनंद बहुत है। आप आनंदित हो यहाँ के? हाँ जी हाँ जी भोले के नजारे हैं, भोले की घाटी और जवाब नहीं है जी भोलेनाथ का। यहाँ पहले की अपेक्षा भीड़ कैसी है? भीड़ तो नहीं है, लॉकडाउन की वजह से कोरोना ने जो है सब रोका हुआ है। भीड़ इसलिए नहीं है, कम है, कम लोग आए हैं। हमारे साथ पल्ला से इंद्रजीत जी, इंद्रजीत भोले, हौसला इतना ना जाने कितना, और इनका जो हौसला है वही हम लोगों को भी पावर देता है। ऐसे चलते हैं भोले, वेट 108 किलो और उम्र 68 साल, लेकिन पहाड़ों में चलने का जज्बा गजब। घूमते रहते हैं पहाड़ों में, गोमुख से केदारनाथ जल चढ़ाने आते हैं ये सावन में, फागुन में गंगोत्री से दिल्ली पैदल रहता है इनका। दिन का टेम्परेचर रहता है वहाँ पे -20, रात का -30, तो इनके जज्बे को तो सलाम करते हैं जी। और इन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है और ताकत मिलती है। हमारे बुज़ुर्ग हैं ये, बुज़ुर्ग भोले, जवाब नहीं है, अब भी यही लाए हैं हमको, इनकी कृपा दृष्टि रहती है हमारे ऊपर, तो भोलेनाथ की भी कृपा दृष्टि हो जाती है। बस ये है, लेकिन चढ़ाई बड़ी दुर्लभ है सर, और सब भोलों को नमस्कार। जितने भी हैं हमारे रावत जी और हमारे डीएन सिंह जी, मिस कर रहा हूँ मैं, अरुण मिश्रा जी को मिस कर रहा हूँ मैं, आरपी उपाध्याय जी को मिस कर रहा हूँ मैं, हिमांशु को मिस कर रहा हूँ मैं, और अजय अरोड़ा जी हमारे, काश हम लोगों के साथ होते तो बड़ा आनंद आता। लंबाई ऐसी ना जाने कैसी, खूब बोलते हैं हम लोग तो ट्रैकिंग पे आओ, मगर टाइम नहीं होता यहाँ पे आने का। चलो कभी तो मौका मिलेगा इन सब लोगों के साथ ट्रैकिंग करने का। जय भोले की। ये हमारे श्री भोले पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते हुए, वजन इनका 100 किलो, लेकिन घोड़े की रफ्तार से भागते हुए। जय भोले। और ये देखिए इनकी स्पीड। जय भोलेनाथ। शकरपुर लक्ष्मीनगर के वासी हैं दिल्ली से, और ये कम से कम नहीं तो दो बार गंगोत्री केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं। सर्दियों में तो गंगोत्री से कावड़ उठा के दिल्ली जाते हैं और वहाँ भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं। जय भोलेनाथ। और ये अब केदारनाथ की यात्रा में कम से कम 30 किलो का बोझा इनके पिछवाड़े पे लगा हुआ, लेकिन हौसला इनका बहुत बुलंदी पर। ये जो है हमेशा यात्रा इसी जज्बे से हमें भी करवाते हैं और अपने आप भी करते हैं। जय भोलेनाथ। सूर्यदेव की पूरी कृपा, तो चोटी देख सकते हैं आप,
जंगल चट्टी पर रुके हम थोड़ी देर, थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा गर्म पानी पिया। यात्रा में चलते समय जो है थोड़ा गर्म पानी का सेवन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। एक मिल्टन की बोतल आती है स्टील की, उसमें पानी 24 घंटे गर्म रहता है, वो जरूर रखें अपने साथ। अगर आप हाइट पे जा रहे हैं, कपूर ना सूंगे, उससे हार्ट में पानी उतरता है, वो आपको रिलीफ ज़रूर देता है लेकिन अच्छा नहीं होता वो। भीमपल्ली यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, भीमपल्ली पे एक दफ़ा चाय पियेंगे हम लोग और फिर आगे निकलेंगे। छोटी लिमचोली आएगी, चढ़ाई दुर्लभ है, खड़ी चढ़ाई है, थोड़ा रुक रुक के चलना पड़ेगा। पहाड़ों में जल्दबाजी ना करें, धीमे चलेंगे तो सांस नहीं फूलेगा, स्पीड से भागेंगे सांस फूल जाएगा, चढ़ नहीं पाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखें। सीटू भोले और तेजपाल भोले पहले ही आगे जा चुके हैं, भीमबली पे हमारा इंतजार कर रहे हैं वो। जय भोले की। झरना ये पहले बहुत तेज चलता था लेकिन अब और ऊपर तक का देखो। हाँ देखो, भीमबली यहाँ से 1 किलोमीटर और आप देख सकते हैं पहाड़ ऊँचे ऊँचे हैं। सुबह के 7 बजते हुए और ये यात्रा लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कम भीड़ है। जय भोलेनाथ। इंद्रजीत भोले झरने के पास में पूरा आनंद लेते हुए झरने का, ऊपर से आया हुआ झरना और ये हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से उड़ रहा है। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, कम प्रतीत होगा। जय भोले की। जय भोले की। बहुत ही उम्दा नज़ारा और आनंद उठाते हुए मौसम का, कुदरत का देख सकते हैं कैसे चेतावनी बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। ये जय भोले की। ये भीमबली से थोड़ा सा पहले, लगभग आधा किलोमीटर पहले पर्वत गिरा हुआ, रास्ते में झरने के पास ऊपर से झरना बहता हुआ आता हुआ, ये देखिए बहुत ही डेंजर अवस्था है पहाड़ों की। ये हमारे भोलेनाथ। जय भोले जी। श्री कृष्ण भोले जी दिल्ली लक्ष्मी नगर से यात्रा पर, इनका हौसला बड़ा बुलंद है, ये हमें भी यात्रा करवाते हैं और इनकी कृपा से हम यहाँ की, हम यहाँ की यात्रा पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोले जी। इंद्रजीत जी आगे चलते हुए झरने के नज़दीक पूरे हौसले के साथ, पहाड़ों में ऐसे झरने होते हैं और इनका पानी अमृत समान होता है। ये बच्चे यहाँ पे फोटोग्राफी करते हुए। जय भोले की। बोले कहाँ से आए हो? मुरादाबाद से आए हुए। और कितने लोग आए हो? बंदे। तो कोरोना का कोई डर नहीं? कोई नहीं है डर। अच्छा, बाबा के सामने कैसा डर? बाबा के सामने कैसा डर? हौसला पूरा जी। बच्चे हैं। जय भोले की। हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोले की। और पूरे हौसले के साथ फोटोग्राफी करते हुए यंग बच्चे हैं। ये रुद्रा फॉल है और ये हमारे खच्चर हैं जो सामान ऊपर पहुंचाते हैं। ये सब सुबह 5 बजे चले थे बच्चे गौरीकुंड से और अब ये भीमबली पहुंच गए हैं। मेरा दूसरी यहाँ से कोई 15-20 और ये मेरा दूसरी बार। कुछ लोगों का दूसरी दफ़ा है, कुछ लोगों का तीसरी दफ़ा है, कुछ फर्स्ट टाइम आए हैं। तो भोले के दरबार में आते रहना चाहिए। जय भोले की। जय भोले की। बेटा कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद से? अरे वाह, हरियाणा से आए हुए हैं।
पूरा हौसला पूरी एनर्जी के साथ में। कितने लोग आए हो? हम आए हैं 16 लोग आए हुए हैं, बाकी घोड़े से गए हम सब। और बड़ी हिम्मत है कोरोना के टाइम में भोलेनाथ के लिए टाइम निकालना। भोले के लिए तो देवता लोग भी डर गए थे कोरोना से, आधे धाम बंद हो गए। दरअसल देवता नहीं डरे, दरअसल और लोगों को ना फैले, दर्शन मिलेंगे। हाँ जी, और एहतियात बरते लोग। हाँ जी, बस यही है, अपना सेफ्टी से रहें। हाँ जी, जय भोले की बेटा। और ये पगडंडी का रास्ता पहाड़ गिरे हुए, ये बहुत ही डेंजर जोन है, इतने पहाड़ ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं। ये वहाँ से जो ऊपर से झरना आ रहा, झरने की वजह से ये पहाड़ गिरे हैं। ये बोले तो देखिए आगे चलते हुए भोलेनाथ कांवड़ यात्रा। लॉकडाउन के अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। अब कोई लॉकडाउन का सिस्टम यहाँ पर नहीं है, ना कोविड का कोई दांत है। अब श्री भोले के ऊपर सिर की तरफ पहाड़ चमकते हुए, वो पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी हुई है और बड़ी सुंदर दृश्य इसका नज़र आ रहा है। सूरज की किरणें पड़ते ही चमक उठती है, तो वही दृश्य है पहाड़ों पे सूर्य अपने किरणें बखेरते हुए, सुबह का टाइम, बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य है, बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ी खूबसूरती और आनंद महसूस हो रहा है। चले क्या बोले, भीमबली? हाँ, भीमबली चलना है। चलो, और लगभग 250 मीटर हमारे से भीमबली दूर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बजरंग बली की, भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए, और जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय भोले जी, जय भोले शंकर। छोटी लिमचोली यहाँ से 2.5 किलोमीटर भीमबली से, देखो पीछे का दृश्य दिखाएं भोले जी। देखो पार को मैंने काट दिया 2013 के आपदा में काट दिया था, नहीं तो गंगा यहाँ पे कोई रहती थी हम बात नहीं। और यहाँ पे घर हुआ करते थे, और घर हुआ करते थे। आगे राम जाना, ये दूसरी तरफ का रास्ता, नया रास्ता, नया रास्ता बना हुआ। अब बोले जी, अब लिमचोली की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये हमारे ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता हुआ पुल पर जाते हुए, ये पुल है। यहाँ पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा बस्ती होती थी, लेकिन 2013 की आपदा में ये सब कुछ बह रहा है यहाँ से। सुंदरी से भरपूर और अच्छा पार करते हुए, ये देखिए बड़ा ही विहंगम दृश्य है। ये लोग यहाँ पर फोटो शूट करते हुए, ये हेलीकॉप्टर जाता हुआ था।
का पुल के ऊपर से प्राकृतिक नज़ारा, ये हमारे श्री भोले जी प्राकृतिक का आनंद लेते हुए आपकी जी लिमचोली की ओर, छोटी लिमचोली की ओर हम लोग बढ़ते हुए, और ये हमारे इंद्रजीत भोले पुल को पार करते हुए जय भोले की। बड़ा डेंजर पुल है, पूरा पुल हिलता है। किसी टाइम पे यहाँ पर रामबाड़ा हुआ करता था जो ख़त्म हो गया पूरा, और अब रामबाड़ा तो है नहीं यहाँ पे, और ये आपदा ने सब ख़त्म कर दिया 2013 की आपदा ने। इधर का सुंदर मनमोहक दृश्य आप देख रहे हैं, और आगे का वृतांत आपको इंद्रजीत जी बताएंगे। दिख रहा है वो तो सर, आ रहा आप भी आ रहे हैं। अभी डंडी की चढ़ाई है लेकिन ऊंचाई बहुत है, और बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। सीधी चढ़ाई को पार करते हुए ये यात्रा का दूसरा पड़ाव बेस कैंप थोड़ा सा आगे। पहाड़ों का सुंदर नज़ारा, अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को घोड़े पे सर करते हुए। लॉकडाउन में आए लेकिन बहुत हिम्मत, छोटा बच्चा अपने गोद में लेके घोड़े पर बैठकर ऊपर चढ़ते हुए। देखिए छोटे बच्चे को लॉकडाउन के टाइम, छोटे बच्चे को साथ लेकर अपना टाइम निकाल कर भोले बाबा के दरबार में जाते हुए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये देखिए हमारे भोलेनाथ जी जो पवाली की चढ़ाई, गुत्तों की उतराई मिनटों में कर लिया करते थे, आज इनके यहाँ पंखड़े फाट रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं आना जाना हुआ नहीं, घर में ही लॉकडाउन में बंद रहे 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद अभी इनको निकाला है इसलिए इनके पंखड़े फाट रहे हैं। जय भोलेनाथ। ये हमारे श्री भोले जी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए, जो सामने मंदिर का बेस कैंप, हेलीकॉप्टर की आवाज, और ये सामने हेलीकॉप्टर। कुछ यात्री यात्रा से वापसी में आते हुए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।